नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीएमएचआरसी में सीबीआई का छापा पड़ा है। 20 अधिकारियों की टीम यहां पहुंची है जो जांच कर रही है। यहां तक कि डायरेक्टर चेंबर में भी दस्तावेज खंगाल रही है सीबीआई की टीम। मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। अस्पताल में सामान की खरीद से जुड़ी हुई गड़बड़ी का ये मामला है। खरीदी में गड़बड़ी के बाद सीबीआई ने एक्शन लिया है और अब सीबीआई की टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची है। हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यहां तक कि जो डायरेक्टर का चेंबर है वहां पर भी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। अस्पताल में खरीदी से जुड़ा हुआ ये मामला है। गड़बड़ी की शिकायत पुलिस, शिकायत के बाद सीबीआई का ये एक्शन हुआ है। तो अगली खबर भी भोपाल से जुड़ी हुई है, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में रीवा के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है। इतना ही नहीं, स्टार्टअप से जुड़े युवाओं के लिए सरकार ने फैसला लिया है। फैसले के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं को 50,000 रुपए और 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में सिंचाई और सड़क दोनों ही विषयों पर चर्चा के साथ ही पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए सीएम का अभिनंदन किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने एमपी को 10,000 करोड़ की सड़क सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के 12 जिलों को इसका लाभ मिलने वाला है। भेंड, मुरैना, फिर चंबल के चंबल क्षेत्र में, फिर मालवा क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड में भी इसका लाभ मिलेगा। और ये एक लगभग 72,000 करोड़ की योजना है, जिसमें 90% जो इस योजना का खर्च है वह केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार का सिर्फ 10% ही लगेगा। रीवा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए लगभग 160 करोड़ का खर्च किया गया, स्वीकृति दी है, और मुझे लगता है कि 164 करोड़ की। और इससे रीवा क्षेत्र के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके विस्तार में वहां के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा की तरह लोकसभा में भी टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी चौंका सकती है। ये कहा जा रहा है 6 से ज्यादा सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक ग्वालियर, मंडला, इंदौर, टीकमगढ़, खंडवा, सागर, भिंड लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के टिकट बदले जा सकते हैं, जबकि मुरैना, जबलपुर, दमोह, सीधी, नर्मदापुरम सीट सांसदों के विधायक बनने के बाद खाली हुई है। बीजेपी का कहना है जिससे भी टिकट मिलेगा वो अच्छा और सच्चा प्रत्याशी होगा, जबकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दागदार चेहरों की वजह से संगठन बदलाव करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कयास और अटकलों पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार करने के लिए, मजबूत करने के लिए और जनता की भावनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। देखिए, जब भी किसी पार्टी के चेहरे इतने दागदार हो जाते हैं कि उन्हें वापस मैदान में नहीं उतारा जा सकता, इसलिए नए चेहरे ढूंढते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे चेहरे दागदार हो गए। आधे तो जो है 7 इंजन लगा के अभी चुनाव लड़वा दिया था विधानसभा का, और बाकी जो है आप देखें कि इनके कितने मंत्री, 12 मंत्री हार गए, चुनाव हार गए, तो ये दागदार चेहरे तो थे। गांव चले अभियान के तहत एमपी सरकार के मंत्री और संगठन के बड़े नेता आकांक्षी गांव और बूथ पर रात गुजारेंगे। इस दौरान हितग्राहियों से ये लोग चर्चा करेंगे। 4 फरवरी से यह अभियान शुरू होगा, जबकि 11 फरवरी तक चलेगा। उधर इस अभियान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। वहीं बीजेपी ने कहा कि अंतिम छोर तक विकास की योजनाएं पहुंचे और लाभ मिले, यही बीजेपी का मकसद है और इस वजह से गांव चले अभियान शुरू किया जा रहा है। देखिए, ये तो कई बार घोषणा हो चुकी है, मंत्री अधिकारी जो है रात बिताएंगे, इससे पहले जो शिवराज सिंह जी थे उनके जमाने में भी हुई, लेकिन ये कभी भी फलीभूत नहीं हुई और ये कहीं भी जमीन पर नहीं उतरी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि गांव चलो अभियान सिर्फ भाषण है या इवेंट, भाषण इवेंट है
या फिर वास्तविक। अच्छा है कांग्रेस ऐसा सोचे, कांग्रेस की जो मर्जी है वो इसकी व्याख्या करे, विवेचना करे, पर गांव के बीच जनता के साथ ग्रामीणों के बीच 24 घंटा व्यतीत करना, उनके साथ रहना, कांग्रेस करके तो देखे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जाहिर की और इस फैसले को मील का पत्थर बताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और इस दिन एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। प्रसन्नता है कि ज्ञानवापी मामले में बनारस की जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूंगा तथ्यात्मक रूप से, जैसे एसआई की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का फैसला। कल से ग्वालियर अहमदाबाद के बीच विमान सेवा शुरू हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी जानकारी दी। सिंधिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, नए अध्याय की शुरुआत इसको बताया है। तो कल से ग्वालियर और अहमदाबाद के बीच विमान सेवा को नए अध्याय की शुरुआत बताया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और इसे नए अध्याय की शुरुआत बताया। तो ग्वालियर अहमदाबाद के बीच फ्लाइट कल से शुरू हो जाएगी। ग्वालियर के लोग, अहमदाबाद के लोग इजीली फ्लाई कर पाएंगे और इसीलिए इसे नए अध्याय की शुरुआत बताया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक पोस्ट भी किया बकायदा कि लंबे समय से इस बात का इंतजार था और अब वो प्रतीक्षा पूरी हुई। मध्य प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का युवाओं पर फोकस है। कांग्रेस यूथ पर फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए आयोजन करेगी। इसी कड़ी में ग्वालियर में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस का न्याय दो रोजगार दो अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन में प्रदेश भर के युवा कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल हुए। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और प्रदेश अध्यक्ष विकांत भूरिया ने अधिवेशन में युवाओं को बीजेपी के खिलाफ लड़ने का संकल्प दिलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि बीजेपी देश भर में विपक्ष को साम दाम दंड भेद के जरिए तोड़ने में लगी है, लेकिन हम इसके खिलाफ युवाओं के बीच जाकर अभियान चलाएंगे। आज हम लोग ने रोजगार दो न्याय दो, जो सरकार ने जो वादा किया था एक भी पूरा नहीं कर पाया है। जो तमाम जो बेरोजगार युवा सबसे ज्यादा जो इस समय में जो परेशान है, हमने घर घर जाके उनके लिए कैंपेन करेंगे। लोग एक तरफ जो विकल्प को हैं वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ ये पूरा जो न्यू वोटर्स भी है सारे युवा उनके साथ जुड़ेगा और देश का जो भी इन लोग ने किस तरीके का जो ये लोकतंत्र को ख़त्म करने में कोशिश